मैं सिद्धार्थ दत्ता हूँ और अहमद सिद्दीकी। हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है रोड आश्रम। ये कैंपेन हम लोग जब कोविड के संदर्भ में जब लॉकडाउन चल रहा था, हम सभी के तरह घर पे बैठे हुए थे और लेकिन थोड़े प्रिविलेज थे कि हमें खाने पीने का या अगले दिन क्या होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरतें नहीं थी। लेकिन बहुत जल्द हम लोगों ने देखना शुरू किया, देखा कि बहुत सारे हमारे सह नागरिक पैदल चल रहे थे अपने घरों के और कुछ लोगों का रास्ते में मौत भी हो गई, बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। तो ये सब देखकर हमें लगा कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक अच्छे नागरिक होने के कारण हमें कुछ करना चाहिए। तो शुरुआत में हम लोगों ने हमारे आसपास जो लोग जिनको सपोर्ट की ज़रूरत थी हमने उन्हें ज़रा हेल्प किया, और लेकिन उसके बाद हमें समझ में आया कि उतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, तो हमें लगा कि और ज़्यादा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ विचार करते हुए हम लोगों ने रोड आश्रम कैंपेन शुरू किया। इसके तहत हम लोग भारत में 25,000 किलोमीटर भारत के बॉर्डर्स को पकड़ के 25,000 किलोमीटर 30 स्टेट्स होकर लगभग 65-70 दिन एक गाड़ी में करके, जो गाड़ी स्पेशली क्राफ्टेड गाड़ी है, उसमें हर अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग क्षेत्रों की कुछ ना कुछ सिंबल्स हैं, वैसे क्राफ्टेड गाड़ी में करके हम लोग सारा देश घूम रहे हैं। और कोविड जो एक हेल्थ क्राइसिस होना चाहिए था भारत में, ये एक हेल्थ क्राइसिस के साथ ही साथ एक मानवीय आपदा में भी तब्दील हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग की रोजी रोटी छीन गई, बहुत सारे बच्चों की वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स डिले हुए, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत अनसर्टेन हो चुका है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। ये सब इश्यूज को हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि कोविड का क्या प्रभाव है लोगों की ज़िंदगी में। इसके तहत हम लोग बहुत सारे आम आदमी और बहुत सारे खास आदमियों से मिल रहे हैं जहाँ पर भी जा रहे हैं। तो हम लोग आज मुंबई में STCI सेव द चिल्ड्रन इंडिया के ऑफिस में हैं। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ के बच्चों से मिलकर, जो जिनकी ज़िंदगी में कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसमें किसी ने सोचा नहीं कि बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके कठिनाइयों के बारे में, वो घर से नहीं निकल पा रहे थे तो और उनके परिवार हमेशा उनकी बातें नहीं समझ पाते थे और वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, रेगुलर डॉक्टर विजिट्स नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी कठिनाइयों के बारे में सुना और हमें काफ़ी खुशी हुई कि STCI जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और भी इन बच्चों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। और रोड आश्रम के तरफ से हम लोग सेव द चिल्ड्रन इंडिया को, जिसे शॉर्ट में STCI कहा जाता है, उसे बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर और भविष्य का काम है।